अलवर में मिर्गी रोग से बचाव के लिए सेठ रमावतार खंडेलवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को मिर्गी डे के उपलक्ष्य में ट्रस्ट की ओर से शिविर लगाया जाएगा। ट्रस्ट के संयोजक डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने बताया कि मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पिछले कई वर्षों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मरीजों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी जाती हैं। ये हम मिर्गी की अवेयरनेस के लिए पर्पल मंथ का सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें कि पर्पल मंथ में हम मिर्गी के बारे में लोगों को जागरूकता देना, लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि ये मिर्गी रोग ना हो के कोई ऊपरी पराया या किसी देवी देवताओं या भूत का प्रकोप मानते हैं, तो लोगों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मिर्गी एक साधारण बीमारी है जिसका मस्तिष्क से संबंध होता है तथा अन्य रोगों की तरह इसका इलाज पूरी तरह संभव है। एक अनुमान के अनुसार लगभग जो हमारे देश में 1,20,00,000 मिर्गी के रोगी हैं, जिनमें से 30,00,000 तो महिलाएं होंगी कम से कम। तो महिलाओं के साथ विशेष प्रॉब्लम आती है कि उन्हें जैसे जो एक उम्र होती है जिसमें गर्भ धारण और बच्चा करने वाली समस्याएं होती हैं, तो ऐसे लोगों को हम भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये सब मिर्गी का रोग है, पूरी तरह से इसका इलाज हो सकता है, वो गर्भ धारण कर सकती हैं तथा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।